नमस्कार दोस्तों, मैं विनय बात कर रहा हूँ हाईटेक इंस्टीट्यूट सह मार्केट आगरा से। जैसा कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो फोन होते हैं, जो हमारे मोबाइल होते हैं, तो उनमें जो सीपीयू लगा होता है, जो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट जो सीपीयू लगा होता है, उस सीपीयू की जानकारी कैसे करनी है। अगर आपको उस सीपीयू की जानकारी नहीं होगी, अगर आप ये पता नहीं होगा कि उसमें सीपीयू कौन सा लगा होता है, तो हम रिपेयरिंग का काम कैसे कर पाएंगे। इसलिए सीपीयू जानकारी के हम आपको कम से कम 6 मेथड आपको बताएंगे, जिससे आपको ये पता कर सकते हैं कि सीपीयू सेट में कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, प्लीज आप मेरी वीडियो को पूरा देखना है। प्लीज अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो हम 100% श्योर हैं कि आप किसी भी फोन का सीपीयू आप पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं। नंबर एक है गूगल पर सर्च करके पता करना। अभी आपको प्रैक्टिकली दिखा देंगे। जैसे एग्जांपल है, किसी भी आपका फोन, कोई फोन आया है, अगर आपको उसका मॉडल नंबर पता है तो उसमें डाल देते हैं। जैसे मान लो हमें, मैंने डाल दिया वीवो Y12 सीपीयू टैप, एग्जांपल डाले वीवो Y12 सीपीयू टैप डाल दिया, तो क्या होता है कि उसमें जो डिवाइस स्पेसिफिकेशन होती है उसमें लिंक हो जाती है और वहां पता हो जाता है आपका मॉडल नंबर क्या है। सेकेंड है सेट को ओपन करके पता करना, यानी कि सेट को पहले खोल लेना है और खोल के उसके आईसी के ऊपर लिखा होता है। जैसे मान लो सेट खोल लेता है, आईसी के ऊपर यहाँ पे लिखा होता है मीडिया टेक है या कॉलकॉम है या एसपीग्राम है या सैमसंग का सीपीयू लगा होता है, तो सब लिखा होता है उसमें, तो आप देख सकते हैं। तीसरा है फाइल को डाउनलोड करके पता करना। फाइल को डाउनलोड करने का मतलब है जैसे कोई भी मेरे पास फाइल होती है तो हम उस फाइल के अंदर जो भी उसकी प्रोग्रामिंग आ रही है या जो भी उसमें एक्सटेंशन नेम आ रहा है उससे पता कर सकते हैं कि सीपीयू कौन सा लगा हुआ है। इसका फोर्थ नंबर है gsmarena.com। जैसे gsmarena की साइट खोल लेते हैं और उस साइट को हम चेक करते हैं तो वहां पर जितने भी आपके ब्रांड होते हैं, जितने आपके मोबाइल नंबर होते हैं, सारे मोबाइल की इन्फॉर्मेशन आती है, आप पता कर सकते हैं सीपीयू कौन सा लगा हुआ है। devicecertification.com, यहां से भी आप जितने भी आपके फोन आते हैं, जितने भी आपके ब्रांड आते हैं, इनसे पता कर सकते हैं सीपीयू कौन सा लगा हुआ है। बूट करा के या पोर्ट बना के, जैसे सेट का कोई भी आपको नहीं पता कि कौन सा मॉडल नंबर है या कौन सा सीपीयू है, तो आप उसका बूट करा के यानी कि पोर्ट करा के यानी कि बटनों को दबा के आप पता कर सकते हैं सीपीयू कौन सा लगा हुआ है। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर आते हैं और आपको दिखाते हैं कि सीपीयू की जानकारी या सीपीयू की इन्फॉर्मेशन कैसे पता करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, सीपीयू इन्फॉर्मेशन लिखा है गूगल पर सर्च करके पता करना। जैसे एग्जांपल है कि मेरे पास कोई मॉडल है, जैसे मान लें ये मेरे पास मॉडल है ओप्पो A1 की मॉडल है। क्या है, ओप्पो A1 की मॉडल है। अब हम गूगल पर जाते हैं और यहाँ टाइप करते हैं ओप्पो A1 के, नहीं है मेरे पास सीपीयू टाइप। जैसे आप टाइप करते हैं तो यहाँ देखो लिख के आ गया प्रोसेसर टाइप मीडिया टेक हीलियो P22, ये इसका सीपीयू है, एनटीके सीपीयू इसमें लगा हुआ है मीडिया टेक का। ठीक है, अगर सेकेंड नंबर क्या आता है, जैसे हम लोग यहाँ पे डालते हैं, इसमें डाल दिया वीवो S1 Pro, क्या डाल दिया S1 Pro, डाल दिया सीपीयू टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे लिख के आ गया क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का सीपीयू इसके अंदर लगा हुआ है क्वालकॉम। ठीक है, इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि सेट में सीपीयू कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा मैंने बताया आपको सेट को खोल के, यानी कि जैसे किसी सेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्या लिख के आता है, उस पर आईसी के ऊपर लिखा होता है मीडिया टेक या क्वालकॉम, उस सीपीयू के ऊपर लिखा होता है। ठीक है, तो उससे पता कर सकते हैं सीपीयू कौन सा लगा होता है, लेकिन वो काम नहीं करते क्योंकि किसी भी सेट खोलने के लिए रिस्क होता है। ठीक है, तो वो हम काम नहीं करते हैं। ठीक है, नंबर तीन है आपकी फाइल को डाउनलोड करके पता करना। जैसे कोई भी आपका सेट आते हैं, फाइल को डाउनलोड करके पता करना, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, जैसे एग्जांपल है कि हमारे पास कुछ फाइल्स पड़ी हुई, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। डी में गए, फर्म बी में गए, और जैसे यहाँ पे लिखा गया है रेडमी में गए हम। ठीक है, रेडमी A1 मॉडल है। क्या है, रेडमी A1, यहाँ लिखा शॉर्ट इमेज। अब देखो यहाँ इस प्रकार के एक्सटेंशन आ रही है, प्रोग्रामिंग आ रही है, तो इसका मतलब है जैसे यहाँ लिखा है प्रोग्राम EMC Firehouse 8953 DDR MBN, तो इसमें क्वालकॉम का सीपीयू लगा हुआ है, इसमें क्वालकॉम का सीपीयू लगा हुआ है। देखो ये सब जानकारी करने के लिए आपको हमारे यहाँ पे आना पड़ेगा, आपको क्लास करनी पड़ेगी। देखिए क्योंकि सीपीयू की जानकारी तो इजिली है, बट क्या है जब फाइल की जानकारी में हम पता करते हैं कि किस फाइल में कौन सा सीपीयू लगा हो सकता है, तो उसके लिए आपको पहले क्लास करनी पड़ेगी। जब क्लास करेंगे
प्रॉपर तरीके से, तो आपको हर तरीके जानकारी हो जाएगी कि किस फाइल की क्या पहचान होती है, उसकी एक्सटेंशन नेम क्या होती है, कौन सी फाइल किस टूल्स के अंदर लेते हैं, उसे आपको बताया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए एक कॉलम का सी भी लगा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल हम आईटेल पर गए और हमने आईटेल ले लिया A48L600। ठीक है, मैंने सॉरी यहाँ तो मॉडल नहीं है, यहाँ ले लिया। ठीक है, इसे राइट क्लिक किया और स्टार्ट जेड कर दिया। L6503 मॉडल है। तो अब यहाँ से आपको ही पता होगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि इसके अंदर सीपीयू कौन सा लगा हुआ है, क्योंकि जब हम फाइल को ओपन करेंगे तो हमें पता हो जाएगा कि सीपीयू कौन सा लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये फाइल को मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है और इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ लिखा है PAC, ये लिखा है टाइप में पैक PAC, तो इसका मतलब है कि ये जो फाइल है ये इसकी SPDCP फाइल है, क्योंकि SPDCP में पैक फाइल आती है, तो ये आपकी SPDCP की पैक फाइल है। तो इस प्रकार हम आपको पूरी जानकारी तो यहाँ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं आपको। अगर आपको पूरी जानकारी आपको लेनी है तो आपको हमारे यहाँ आप आ सकते हैं, आप कोर्स कर सकते हैं। कोर्स में आपको फुल डिटेल देते हैं, यानी कि जीरो लेवल से लगा के आपकी एडवांस लेवल तक की हम रिपेयरिंग सारी कराते हैं आपकी सॉफ्टवेयर में प्लस हार्डवेयर में। ठीक है, हम बैंक जाते हैं यहाँ पे। तो नंबर थर्ड क्या था इसमें से हम मैच कर दे रहे हैं, मैच कर दे रहा हूँ, ये थी। और चलिए नंबर थर्ड है आपका, मैंने बताया था जीसम अरीना। अगर हम यहाँ पर साइट खोल लेते हैं, किसी भी फोन की जानकारी करनी हो तो हम यहाँ जाते हैं, यहाँ लिखते हैं GSM। यहाँ क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जितनी भी आपके मॉडल नंबर आ रहे हैं, देखो एप्पल आ गया, हुआई आ गया, इसे एप्पल पर क्लिक किया मैंने। ठीक है, अब एप्पल पर जो क्लिक करते हैं, जितनी भी आपके ब्रांड ने सारे खुल के आ जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम गए iPhone 13 mini, यहाँ पर क्लिक किया, और जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर जो CPU लिख के आएगा, चिपसेट OS इसका है, चिपसेट लिख किया एप्पल A15 Bionic, ये इसका CPU है। ठीक है, क्या है, चिपसेट एप्पल A15 का CPU इसके अंदर लगा हुआ है। बैक करते हैं यहाँ पे, जैसे हम जाते हैं यहाँ पे, लिया हमने नोकिया लिया, अब नोकिया के ब्रांड ली हम, यहाँ क्लिक किया नोकिया X100। जैसे X100 पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ गया OS 11 कॉलकम, कौन सी भी लगा हुआ है, कॉलकम इसमें ड्रैगन CPU लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि कोई से भी ब्रांड आप ले सकते हैं, यहाँ पे सैमसंग, एप्पल, हवाई, नोकिया, सोनी, LG, HTC, मोटोरोला, लिनोवो, सोमी, गूगल। ठीक है, सारे मॉडल आपके यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे पता कर सकते हैं CPU कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, अब एक साइड आपकी है डिवाइस DEVICE। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं हम, और यहाँ पर जितने भी आपके ब्रांड हैं सारे देखो ब्रांड आ रहे हैं, टोटली ब्रांड आपके ब्रांड आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल हम चले गए, मैं सेट किया पे वीवो। ठीक है, जैसे वीवो सेट कर लिया। ठीक है, क्लिक किया वीवो पर, अब वीवो जितने सारे 2022 के मॉडल आए वो सारे मॉडल यहाँ पर होंगे, उसके बाद 2021 के मॉडल हैं, फिर 2022 के, 2020 के होंगे सारे मॉडल। जैसे एग्जाम्पल है वीवो Y20A, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वालकम, क्या लिखा हुआ है, क्वालकम इसमें ड्रैगन। यहाँ अगर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जो CPU लगा होता है वो क्वालकम स्नैपड्रैगन लगा हुआ है 439 का। तो इस प्रकार हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि CPU कौन सा लगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक किया मैंने वीवो Y11S, इसमें CPU कौन सा लगा हुआ, क्वालकम, इसमें 12 में MTK मीडिया टेक हीलियो P35 का CPU लगा हुआ है। ठीक है, MT6765 का CPU लगा हुआ है। इस प्रकार से यहाँ डिवाइस सर्टिफिकेशन से पता कर सकते हैं CPU कौन सा लगा हुआ है, और GSM अरीना की साइट पर भी जाके हम पता कर सकते हैं कि CPU कौन सा लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये रही बात सी पता करने की। अब बात करते हैं पोर्ट बना के या बूट करा के। बूट बटन क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास ये बहुत सारे ये कुछ मॉडल्स हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब क्या करें, जैसे कि एग्जांपल है कि हम पता काम करते हैं, तो हम खोलते हैं माई कंप्यूटर, खोलते हैं, हम जाते हैं प्रॉपर्टीज, यहाँ पर जाते हैं और चेक करते हैं डिवाइस मैनेजर चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ चेक करते हैं, अब यहाँ ये पता करते हैं CPU कौन सा लगा हुआ है। चलिए एग्जांपल, जैसे अब मेरे पास ये CPU मॉडल है, पैनासोनिक का मॉडल है, ओल्ड है, अब इससे पता नहीं CPU कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, अब इसे कोई भी एक बटन दबाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ भी है कि जैसे लिखा है बूट करा के, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है
मीडिया टेक, कोई भी तुम्हारे पास एनटीए का कोई भी सीपीयू आता है, अगर तुम्हारे पास वॉल्यूम माइनस या वॉल्यूम प्लस से कोड बनाते हैं, जो ओल्ड मॉडल होते हैं उसमें वॉल्यूम माइनस या वॉल्यूम प्लस से कोड बनते हैं, और जो न्यू मॉडल्स होते हैं उनमें क्या कोड बनता है, प्लस माइनस एक सब बटन दबाते हैं तो मीडियाटेक का पोर्ट बना लेता है। जैसे मेरे पास एक मॉडल है पोको का, ठीक है, और इसे चेक करते हैं सीपीयू कौन सा लगा हुआ है, तो नया मॉडल है, ठीक है, तो ये प्लस और माइनस, ये क्या है प्लस और माइनस, तो दोनों बटन एक साथ दबाएंगे प्लस और माइनस, ठीक है, तो हम चेक करते हैं प्लस और माइनस बटन दबाते हैं इस तरीके से और डाटा केबल लगाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने प्लस माइनस बटन डाटा केबल लगाया तो यहाँ पे ये बनेगा पोर्ट, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा गया मीडिया टेक, फिर से चेक करते हैं बटन दबाया और डाटा केबल लगाया, ध्यान से देखना है सभी को, अभी सेट ऑन हो गया, इसमें पोर्ट नहीं बनाएगा, रिकवरी मोड पर आ गया हुआ है, ठीक है। मैंने प्लस माइनस बटन दबाए और मैंने केबल को लगाया, इसे केबल लगाएंगे तो यहाँ एक पोर्ट बनाएगा, देखिए देखते हैं, देखो ये पोर्ट बन गया मीडिया टेक यूएसबी पोर्ट 1632 का मतलब है कि इसके अंदर एनटी का सीपी लगा हुआ है, इस प्रकार से पता कर सकते हैं सीपी कौन सा लगा हुआ है। चलिए ये मेरे पास कीपैड फोन है, तो इसमें हम ज्यादातर कीपैड फोन की बूट की होती है होम की, तो इसमें बटन दबाते हैं, इस तरीके बटन दबाते हैं, देखते हैं, देखो ये बन गया एसपीआरडी U2S, इसका मतलब है कि इसके अंदर एसपीडी का सीपी लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरा कोई मॉडल निकालते हैं, ये भी एक फोन है, बताते हैं, अभी से मान लो सैमसंग का फोन है, ठीक है, तो सैमसंग में जितने भी आपके फोन्स होते हैं, ठीक है, अभी जो MTK फोन्स आ रहे हैं या क्वालकॉम फोन्स आ रहे हैं नए मॉडल्स में आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके पोर्ट में जाते हैं। बाकी अगर इसमें ये मॉडल A50 है, इसका पोर्ट कैसे बनेगा, पहले इसको ऑफ कर लेंगे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, पावर ऑफ कर लेंगे सेट को, और पावर ऑफ करने के बाद प्लस माइनस, जहाँ जिन सेटों में होम की होती है उसमें हम पावर होम और वॉल्यूम माइनस बटन दबाते हैं सेट में डाउनलोड मोड लाने के लिए, और जिन सेटों में होम की नहीं होती है उसमें अप डाउन एक साथ बटन दबाते हैं, यानी कि प्लस माइनस एक साथ बटन दबाते हैं इस तरीके से प्लस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर बटन दबाते हैं और केबल को अटैच करेंगे इस तरीके से, चेक करते हैं, वॉल्यूम को कंटिन्यू कर देना है, कह रहा है अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फोन में है तो वॉल्यूम अप बटन दबाई अदरवाइज कैंसिल, तो हम क्या करते हैं अप बटन दबाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं डाउनलोड मोड, सैमसंग के डाउनलोड मोड पर में यही मॉडल आते हैं, डाउनलोड मोड पर लाते कैसे हैं वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस, इसका देखो पोर्ट बन गया मॉडल के नाम से, ये पोर्ट बन गया मॉडल के नाम से, सैमसंग का पोर्ट बन गया मॉडल के नाम से, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे आपके पास कोई क्वालकॉम का सीपीयू आता है, ठीक है, तो क्वालकॉम सीपीयू क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास रेडमी नोट 5 है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया गूगल पे सर्च किया, गूगल पे, ठीक है, रेडमी नोट 5 EDL point, ठीक है, इस तरीके से रिमोट 5 कौन सा मॉडल है इसके, ठीक है, जैसे मेरे पास MI नोट 5 का मॉडल है, ठीक है, अब क्या काम करते हैं इसका, देखो ये इसका टेस्ट पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं ईडीएल पॉइंट, ये वाला इसका आइडियल पॉइंट है, ये वाला, तो सबसे पहले बैटरी को निकाल लेते हैं, और बैटरी निकालने के बाद हम इस तरीके से चिमटी को से शॉर्ट करेंगे, ठीक है, इसको शॉर्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, देखो अब यहाँ पोर्ट बन गया, ये पोर्ट बन गया क्वालकॉम HSUSB की लोडर 9000, इसका मतलब है कि इसके अंदर MI का, इसके MI फोन के अंदर क्वालकॉम का सीपी लगा हुआ है, तो इस प्रकार से मॉडल पता कर सकते हैं कि सीपी कौन सा लगा होता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो देखो HDCP बात करते हैं, कोई भी तुम्हारे पास स्मार्टफोन SPD का आता है तो उसमें क्या काम करते हैं SP यानी कि वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस बटन को दबा के डाटा केबल लगाते हैं, तो आपका कोड बनेगा SPRDU2S, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि SPD कोड कैसे बनता है। अब बात करेंगे क्वालकॉम में,
क्वालकॉम क्या होता है, क्वालकॉम में जितने भी आपके मॉडल आते हैं या तो वायरलेस प्लस माइनस पोर्ट बनते हैं, ठीक है, ओल्ड मॉडल्स में, और जो आपके न्यू मॉडल्स आते हैं उनमें सारे में एडियल टेस्ट पॉइंट होते हैं, उन टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट करते हैं और टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट करने के बाद डाटा केबल को अटैच करते हैं तो हमारा पोर्ट बनता है 9008 का, ठीक है। फिर ये होता है ईडी केबल्स, इस केबल से पता कर सकते हैं कि सीपीयू कौन सा लगा हुआ है, यानी कि ये केस ईडी केबल्स आती है इससे पता कर सकते हैं सीपीयू कौन सा लगा होता है, ठीक है। ये आपका आता है टेस्ट पॉइंट, इनसे टेस्ट पॉइंट से पता कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको मैंने बताया था। फिर बात करते हैं एनटीके फोन में बूट की होती है, ज्यादा जियो की होती है या पावर की होती है या आपकी होम की होती है, एसपीडी में ज्यादातर आपकी बूट की होती है, सेंटर की होती है या वन तीन नंबर होती है, तीन नंबर या पांच नंबर, आठ नंबर या जीरो नंबर या तीन नंबर, छह नंबर, ठीक है। जब इसे कोड ना बने, अगर आपका एसपीडी का सीपीयू आपको लगता है तो सर को खोल के टीएक्स टू ग्राउंड, यानी कि सर खोलना है वहाँ पे टीपी पॉइंट होते हैं, टीएक्स टू ग्राउंड आपको जंपर देना है, जंपर दे के बता कर सकते हैं कि इसके अंदर सीपीयू कौन सा लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम किसी भी सर्किट का पता कर सकते हैं कि सीपीयू कौन सा लगा हुआ है। दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और अपने दोस्तों को भेजना और शेयर करना भी, ठीक है। और जैसा कि हम जो वीडियो बना रहे हैं क्रम बाय क्रम से आपको वीडियो हम सेंड करेंगे, ठीक है। तो आज मेरी जानकारी थी कि हम सीपीयू पता कैसे करते हैं कि सेट में सीपीयू कौन सा लगा हुआ, चाहे वो मीडियाटेक का सीपीयू या आपका एसपीडी का सीपीयू या आपका क्वालकॉम का सीपीयू, ठीक है। इस तरीके पता कर सकते हैं सीपीयू कौन कौन से लगे होते हैं। मैं जानकारी आपको बता दे रहा हूँ कि जो ब्रांड होते हैं आपके एनटीके क्वालकॉम, उसका पोर्ट कॉम पोर्ट में आपका पोर्ट बनता है, सैमसंग का पोर्ट बनता है, मॉडम यहाँ शो करेगा सैमसंग का पोर्ट बनता है, इस प्रकार से आपके पोर्ट बनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों भी मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे सेंड करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फ्रॉम सो मच हाईटेक इंस्टीट्यूट, थैंक यू।